हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं उसकी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। एक ऐसा देश जहां पर मर्द शॉर्ट्स नहीं पहन सकते। इस देश में जिसकी भी शादी होने वाली होती है उसे शादी से पहले एक घंटे की क्लास दी जाती है, लेकिन किस लिए हम आगे बताएंगे। इस देश में जिसने शादी नहीं की तो वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता है। दुनिया का वो देश जहां 13 साल की लड़की और 15 साल के उम्र के लड़के के बीच में शादी हो सकती है। यहां हर लड़की और महिला को बाहर निकलने से पहले हिजाब पहनना ही पहनना होता है। एक ऐसा देश जहां पर तकरीबन 10 लाख रिफ्यूजीज ने शरण ली है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एशिया के सबसे ऐतिहासिक देश ईरान की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ईरान के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ईरान का ऑफिशियल नाम है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। देश की कुल पॉपुलेशन है तकरीबन 8,29,00,000 के आसपास और इस समय यहाँ के औसतन उम्र है 32 साल। ईरान में सबसे ज्यादा ईरानी भाषा बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कई भाषाएं हैं जो कि यहाँ बोली जाती है। वो है टर्किश, कुर्दिश, गिलाकी और अरेबिक। यहाँ पर एक आदमी कम से कम दो भाषाएं तो बोलता ही बोलता है। ईरान का पर्शियन भाषा में मतलब होता है लैंड ऑफ द आर्यंस। यहाँ के लोग अपने आप को मानते भी हैं कि वो आर्यंस के वंशज हैं। एक जमाने में आर्यंस का काफी दबदबा था इस दुनिया पर। ईरान देश का बॉर्डर 10 अलग अलग देशों से जुड़ा हुआ है। इनमें से टर्की, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और अजरबैजान प्रमुख है। इस देश में 99% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जबकि सिर्फ 1% ही दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, जिनमें ईसाई, यहूदी, पारसी धर्म के लोग हैं। ईरान की राजधानी है तेहरान और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन आपको बता दें कि ईरान को पिस्ता की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का 20% पिस्ता का एक्सपोर्ट होता है। जी हाँ, यहाँ से पिस्ता का निर्यात बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो कि इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में बड़ा रोल काम आता है। और इसके साथ ही यहाँ केसर का भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि ईरान देश में तेल की कोई कमी नहीं है। यहाँ से तेल एक्सपोर्ट करके दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। 125 अरब बैरल तेल का भंडार है ये देश, जो दुनिया के कुल भंडार का 10% है। आपको बता दें कि ईरान हर दिन लगभग 4 मिलियन बैरल तेल पंप करता है और यही इस देश की मुख्य आय है। तेल बेचना यहाँ का सबसे बड़ा पैसा कमाने का तरीका है। दरअसल बात यह है कि इस देश में पानी की कमी है, लेकिन तेल की नहीं। दुनिया में ये दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक देश है, तो वही तीसरा ऑयल रिजर्व। ईरान में पानी की बहुत समस्या है। यहाँ पर बारिश न के बराबर ही होती है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में 4 इंच से भी नीचे बारिश साल में होती है। वहीं देश के कई हिस्से एक भी है जहां पानी होती ही नहीं है। आज भी आधा देश सूखे की मार झेल रहा है, लेकिन लोगों ने तरह तरह के जुगाड़ ढूंढ लिए हैं घर तक पानी पहुंचाने के। दोस्तों, ईरान बहुत ही अलग देश है। यहाँ पर शादी को लेकर बहुत ही अजीबोगरीब नियम बने हुए हैं। आज के दिन में भी इस देश में 13 साल की उम्र में आप लड़की की शादी करा सकते हैं, वहीं लड़के की उम्र भी सिर्फ 15 साल होनी चाहिए। जहां पूरी दुनिया बाल विवाह रोकने में लगी है, वहीं यहां पर ज्यादातर बाल विवाह ही होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इस देश में कोई भी शॉर्ट टर्म मैरिज भी कर सकता है। मतलब ये कि अगर आपको कुछ घंटों के लिए शादी करनी है तो यहाँ आप बिंदास कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ 2 से 4 घंटे के लिए भी शादी कर सकते हैं। कैसी अजीब देश है ना ये। लेकिन ईरान देश उनकी जनसंख्या को लेकर बेहद सजग है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अगर आपको शादी करनी है तो उससे पहले आपको बर्थ कंट्रोल पर कम से कम 1 घंटे बात करनी होगी, और फिर वो चेक करते हैं कि बर्थ कंट्रोल के बारे में लड़के और लड़की में से किसने ज्यादा वैलिड जानकारी दी है। ईरान में अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ गलत व्यवहार करता है तो पुलिस के पास यह अधिकार होता है कि वो उस व्यक्ति को उस महिला से शादी करने के लिए मजबूर करे, हालांकि वे तुरंत बाद उसे तलाक भी दे सकता है। आपको बता दें कि ईरान में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या अविवाहित लड़कियों की तुलना में अधिक है। वेल, ईरान देश में एयर पोल्यूशन की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। यहाँ हर साल कम से कम 27 लोगों की जान खराब हवा की वजह से होती है। दुनिया की हर सरकार इसको लेकर चिंतित है, लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह की कोई बदलाव नहीं हो पा रही। कभी कभी तो यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ईरान हमेशा विवादों और गलत वजहों से ही सुर्खियों में रहता है। इस सब के बावजूद भी ये भारत का अहम राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी है। पश्चिमी एशिया के तकरीबन सभी देशों में ईरान के साथ भारत के सबसे नजदीकी संबंध रहे हैं। इस देश में आज के दिन भी सैटेलाइट टीवी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। ईरान में कोई भी अपनी मर्जी का चैनल नहीं देख सकता। मतलब इस मामले में इनका हाल भी कुछ नॉर्थ कोरिया जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की सरकार को लगता है कि वेस्टर्न चैनल को देखकर
देश के जवान बिगड़ सकता है और इसीलिए यहाँ पर इंटरनेट पर भी लिमिट है। यहाँ पर आप हर वेबसाइट चला नहीं सकते। और तो और, ईरान में गूगल को जासूसी साइट माना जाता है। उनके हिसाब से अगर आप ईरान में रहकर गूगल इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कि गूगल आपका अपना डेटा निकाल रहे हो। साल 2012 में ईरान के पुलिस प्रमुख ने ये घोषणा की थी कि गूगल जासूसी करने का एक माध्यम है। इसीलिए ईरानी सरकार देश में नेशनल इंटरनेट की स्थापना करना चाहता है जो उसके खुद के नियंत्रण में हो। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया भी यहाँ पूरी तरह से बैन है। 2013 में ही यहाँ की सरकार ने फेसबुक और ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया था। यहाँ की सरकार को लगता है कि इस तरह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कई लोग देश में विद्रोह कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि ईरान की 40% आबादी इंटरनेट चलाती है, जो इंटरनेट यूजर्स के मामले में दुनिया में 24वें स्थान पर है। ईरान में शराब पर पूरी तरह से बैन है। यहाँ पर कोई भी शराब को हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर यही शराब अवैध रूप से खूब बिकता है। कई लोग यहाँ पर दिन रात नशे में रहते हैं। ईरान में तो नियम बना दिया गया है कि कोई शराब नहीं पिएगा, लेकिन हर साल $300 मिलियन कमाता है ये देश इस इल्लीगल काम करके। बस इतना ही नहीं, ये देश कालीन का काला धंधा भी करता है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कालीन अगर किसी देश में मिल सकता है तो वो है ईरान। तेल के बाद ईरान की दूसरी सबसे बड़ी निर्यातक चीज है कालीन। दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान में पहनावे पर भी बैन है। यहाँ पर हर इंसान को पता होना जरूरी है कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं। यहाँ के मर्द गलती से भी निक्कर यानी कि हाफ पैंट नहीं पहन सकते, ये यहाँ सख्त मना है। अगर गलती से भी ऐसी हरकत किसी ने यहाँ की तो उसे जेल भेज दिया जाता है। वहीं यहाँ पर जैसे ही किसी लड़की की उम्र 9 साल से ज्यादा होती है, उनके लिए ये आवश्यक है कि जब भी वो बाहर निकले तो उनको हिजाब लगाना ही होता है। जैसे ही हमने आपको पहले ही बताया, इस देश में आप 13 साल की उम्र में भी लड़कियों की शादी करा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हर इंसान 15 साल की उम्र से ही वोट डाल सकता है। एक समय था जब ईरान की लिटरेसी रेट 37% ही थी। ये थी ईरान की हालत 1970 में। लेकिन दोस्तों उसके बाद इस देश को भी समझ में आ गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो वो है एजुकेशन ही है। और अब यहाँ की लिटरेसी रेट बढ़कर 93% हो गई है। ईरान के लोग खाने पीने के मामले में बड़े शौकीन होते हैं। यहाँ नॉनवेज खाने वालों के लिए एक से बढ़कर एक वैरायटी मिलती है। ईरान में अगर आपने देसी मीट का स्वाद नहीं लिया तो आपका ईरान का सफर अधूरा रह जाएगा। आप जब भी ईरान जाए तो देसी मीट जरूर खाएं। ईरान की लड़कियों को बहुत खूबसूरत माना जाता है। अगर आप कभी ईरान जाओ तो आपको पता चलेगा कि हमारा कहना सच है या नहीं। लेकिन यहाँ लड़कियों के पहनावे और रहन सहन के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, जैसे कि उनको बुरके में रहना पड़ता है और वे कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा नहीं ले सकती। वैसे यहाँ की लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, वो भी लड़कों के कपड़े पहन के चली जाती है स्टेडियम। ईरान की औरतों को चेहरा दिखाने की आजादी होती है, तो इसका मतलब साफ है कि वो खूबसूरत दिखना चाहती है। इसीलिए आप जब भी ईरान जाएंगे तो देखेंगे कि हर 10 में से 8 महिलाओं के नाक पर एक बैंडेज लगी रहती है, जिसका मतलब होता है कि उस महिला ने हाल फिलहाल के दिनों में नोज प्लास्टिक सर्जरी करवाया है। यहाँ पर आपको महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी नाक पर बैंडेज लगाए हुए दिख जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लड़कों के बीच भी नाक की प्लास्टिक सर्जरी का बहुत क्रेज है। अब हम आपको बता दें कि ईरान देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मान्यता है। यहाँ पर जब आप किसी के भी घर तो जाओ तो आपको फूलों का गुलदस्ता लेकर ही जाना पड़ता है। अगर आप गुलदस्ता लेकर नहीं गए तो यहाँ के लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। ईरान के लोग बड़े ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं, तभी तो यहाँ पर जो भी जाता है घूमने के लिए उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती है। यहाँ के लोग ही इतने अच्छे हैं कि ये हर टूरिस्ट को बड़े अच्छे से प्यार से मदद करते हैं। यहाँ के लोगों के बीच किसी भी चीज को लेकर कोई घमंड नहीं है। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 8 से 9 दिन के अंदर मिल जाएगा। ईरान में घूमने के लिए 6 से 7 दिन में लगभग 48 से 50 हजार रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों ईरान की करेंसी इरानियन रियल है, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए से कम है। तो दोस्तों ये था दुनिया का सबसे ऐतिहासिक देश ईरान। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।